Hello guys, welcome to my channel. It is Tell Eye Pleasure. This is Himanshi. This video is related to a makeup tutorial. So, आप अगर आप ये look achieve करना चाहते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और step by step मैंने इस video में बताया है. तो don't forget to like, share and subscribe my channel. Please subscribe my channel and let's get started. So firstly, I will wear the contact lenses. So if you want, you can wear, and it is a pure hazel brownish shade. So आप पहन सकते हो जो भी आपको पसंद है. Now I am using a Mamaearth का vitamin C serum. So आप कोई भी serum use करो, alternative में मैं यहाँ पर जो भी product use कर रही हूँ आप उसके alternative में जो भी आपके पास में आप use कर सकते हो, क्योंकि it is a not a sponsor video. So अरे यार sponsor कराओ यार, जो भी sponsor कराने वाला है यार, sponsor कराओ, थोड़े रुपए हैं. Now I am using a vitamin C moisturizer which is a SPF 20% moisturizer. So it works as a primer also. So मैं इसको use कर रही हूँ. You can see after applied this कितना ज़्यादा मेरा face hydrated लग रहा है. आप देख ही सकते हो, मैं कुछ भी sponsor नहीं कर रही हूँ, but आप देख सकते हो. आगे मैं use करूँगी blender obviously blender use करूँगी, but उसको किसको blend करने के लिए use करूँगी, it is for lipstick because it is a viral blush technique video. So मैं इसमें use करने वाली हूँ lipstick. So मैंने इसको रेड लिपस्टिक अपने फेस पर लगा लिया है. बेसिकली ये होता क्यों है, मैं इसको बड़ा डर डर के लगा रही थी कि पता नहीं ये ब्लेंड होगा कि नहीं होगा. मैं लिक्विड लिपस्टिक इसलिए यूज़ भी नहीं कर रही थी. तो एक्चुअली ये होता क्यों है, ये स्टार्ट हुआ था वायरल ब्लश टेक्निक फॉर द नेचुरल ग्लो. आप इसके ऊपर आप अच्छे से इसमें लिपस्टिक लगा लो, उसके ऊपर फाउंडेशन लगा लो, उसके बाद में ना वो ग्लो अंदर से आता है, इसलिए ये स्टार्ट हुआ था. तो मुझे नहीं पता ये वर्क करेगा नहीं करेगा, ये मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ. तो मैं इसको अच्छे से इवन मैं आप देख सकते हो, मैं इसको जो ब्राउनिश लिपस्टिक मैंने लगाई है एज अ कंटूरिंग, तो मैं वो लिक्विड लिपस्टिक थी और लिटरली वो सूख गई थी. और मैं उसको टैप टैप करके नहीं ब्लेंड कर रही हूँ, मैं उसको ड्रैग कर रही हूँ. लिटरली आप देख सकते हो मैं ड्रैग कर रही हूँ उसको. और मैं यहाँ पर जो मैंने वैक्स लिपस्टिक यूज़ करी है एज अ ब्लश, तो मैं उसको मैंने टैप टैप करके करा है. नाउ आई एम यूजिंग अ शिवाना की आई शेडो पैलेट, जिसमें से मैं ब्राउनिश और ब्लैक शेड लेके अपनी आईब्रोज फिल करूँगी. आप देख सकते हो मेरी आईब्रोज शेप अप नहीं है, मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मेरी आईब्रोज शेप अप नहीं होती हैं. सो देखो अब मैं उसको शेप मिलाने की कोशिश कर रही हूँ, जो भी ब्लैंक एरिया है मैं उसको फिल कर रही हूँ. आफ्टर दैट मैं यूज़ करूँगी मैट लुक का कंसीलर, जिसको मैं अपनी आईब्रोज को शेप देने के लिए यूज़ करूँगी. हाँ, मैंने आईब्रो का पुली ब्रश भी यूज़ किया है, आप भी यूज़ कर सकते हो. तो इससे क्या होता है ना, जो भी एरिया होता है वो फिल हो जाता है. और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्रश से ही मैट लुक का ही कंसीलर, आईब्रो को शेप कर रही हूँ और आप देख ही सकते हो. और यहाँ पे मैंने अपने अंडर आई को भी कंसील किया है, तो आप देख ही सकते हो. मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी. सो ये आप अपने आप देखिए. म्यूज़िक फ्लावर का जेल लाइनर बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, आप देख ही सकते हो. मैं इसको अपनी आई लाइनर की तरह मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ, और थोड़ा सा मोटा विंग नहीं तो मैं मोटा लाइनर इसको ड्रॉ कर रही हूँ. रफली आप ड्रॉ कर सकते हो, मैं इतना कोई आप देख ही सकते हो मैं इतना क्लीन लुक नहीं ले रही हूँ, बहुत ही रफली ड्रॉ कर रही हूँ. थोड़ा सा विंग मैंने निकाला है और ये मैं बहुत ही रफली ड्रॉ कर रही हूँ ताकि मैं उसको ब्लेंड कर सकूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर स्मोकी आई लुक थोड़ा सा क्रिएट करना चाह रही थी. तो ये मैं दोनों आँखों पर ड्रॉ कर रही हूँ. ले रही हूँ शिवाना का पैलेट, और शिवाना के पैलेट में से मैंने लिया है ब्लैक और ब्राउनी शेड, और उसमें उसके मैं एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख सकते हो. और उसके बाद में मैंने लिया था वेट एंड वाइल्ड का आईशैडो पैलेट, उसमें से लिया मैंने पर्पल शेड, और उसके ऊपर मैंने अबव क्रीज लाइन मैंने उसको ड्रॉ किया. तो आप ऐसे ही अपने आई लुक क्रिएट कर सकते हो. स्मोकी आई लुक के लिए ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एजेस को कोई भी नहीं दिखनी चाहिए, तो मैंने इसमें एजेस नहीं दिखने दिए हैं. मैं अच्छे से उसकी एजेस को मैंने ब्लेंड किया है जब तक वो एक मतलब स्मजी एरिया ना हो जाए, लाइक स्मज लुक लाइक ए स्मजी एरिया ना हो जाए, वो जो मतलब कि एजेस हैं वो दिखना बंद ना हो जाए. बेसिकली एजेस जो है वो दिखने नहीं चाहिए, शार्प एजेस नहीं दिखने चाहिए. अब मैंने क्या
क्या किया पता है, मैंने ब्रश रखा और मेरा ब्रश गिर गया ब्लूइश शेड पे, तो मैंने वो ब्लूइश शिमरी शेड अपने अपने आई लिड पे लगा लिया, जो कि अच्छा लग रहा था लगाने के बाद में। आप देख ही सकते हो वो अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर में था और शिमरी थोड़ा शेड था। और मैंने जेल लाइनर लेके दोबारा अपने वाटर लाइन के पास में मैंने उसको लगाया। ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है ना मेरे लैशेस के नीचे, ये ग्लू है बेसिकली, ग्लू सूखने के बाद में निकल ही जाएगा, तो मैं इसके सूखने का वेट कर रही थी। अभी गीला है इसलिए ब्लू दिख रहा है, उसके बाद में ये बिल्कुल नहीं दिखेगा। मैंने इसमें मस्कारा यूज़ किया, एडिया सुखा वाटर प्रूफ मस्कारा। आफ्टर दैट मैं देखो कैसे, जैसे कि आपको पता है अभी तक मैंने अपने फेस पर कुछ नहीं लगाया मॉइस्चराइज़र के अलावा, तो अब यहाँ पे मेन पुताई चल रही है जो कि है फाउंडेशन। तो बेसिकली मैं फाउंडेशन की फ़ैन हूँ नहीं, बट मुझे मेकअप ट्यूटोरियल लिए मुझे करना पड़ रहा है, बट मैं फाउंडेशन जैसी चीज़ें अब यूज़ नहीं करती हूँ, मैं मॉइस्चराइज़र और सीरम यूज़ करती हूँ जो कि बेस्ट है स्किन के लिए। तो मैंने यहाँ पर लगाया यहाँ पर फाउंडेशन और मैं उसको अपने वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। आपने देख लिया है यहाँ पर फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो चुका है और मैं अब यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का फेस पाउडर, जिससे मैं मेकअप को अपने सेट करूँगी। ये बहुत ज़रूरी है गर्मियों के सीज़न में, तो बहुत ही ज़रूरी है मेकअप को सेट करना, क्योंकि इससे ना जो मेकअप होता है वो निकलता नहीं है, थोड़ी देर सेट रहता है, क्योंकि स्वेटिंग की वजह से मेकअप बहुत ज़्यादा, इस टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी इस टाइम पर भी। तो मैं यहाँ पर जो मैंने आई लुक क्रिएट किया उसके बाद में जो मेरे जो भी फॉल आउट हुआ है उसकी वजह से जो अंडर आई एरिया पर कंसीलर लगा था वो दोबारा ब्लैक ब्लैक सा हो गया था, तो मैंने उस पर दोबारा कंसीलर लगा के थोड़ा ब्लेंड कर लिया। और उसके बाद में ले रही हूँ लैक्मे का आइकॉनिक काजल और उसको अपने लोअर वाटर लाइन पे उसको ड्रॉ कर रही हूँ, और अच्छे से थिक थोड़ा सा काजल ड्रॉ कर रही हूँ ताकि मैं उसको अच्छे से स्मज कर सकूँ, इसलिए मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ। नाउ ब्रश से मेरा स्मजिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो उसको मैं अच्छे से स्मज कर रही हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने ली है शुगर की 03 10 पैन कलर की लिपस्टिक, और मेरे को इसको लगाने के बाद में ये रियलाइजेशन हुआ कि ये थोड़ी डार्क है मेरी आई लुक के साथ में, तो मैंने यहाँ पर ली है फेसेस की मैट लिपस्टिक और उसको अपने लिप पे ना थोड़ा डैब डैब कर लिया ताकि वो जो लिपस्टिक का टेंट था वो थोड़ा सा मैट हो गया। वैसे ये मैट शुगर की मैट लिपस्टिक ही थी, बट उसको थोड़ा सा और लाइट अप करने के लिए मैंने उसको शेड लिया। नाउ इट्स अ फाइनल लुक।